अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आते हैं दोस्तों, टॉपिक है राइट टू रिपेयर का। मैम ये क्या है? अब ये खबर बड़े बढ़िया है कि आपके लैपटॉप और मोबाइल के आने वाले हैं बहुत बढ़िया दिन। मैम बढ़िया दिन कैसे आ जाएंगे हमारे लैपटॉप और मोबाइल के? भाई राइट टू रिपेयर क्या हो गया मैम? क्या आप राइट दे रही हैं हमारे पास वाले जो है चिटागो की, भाई आप रिपेयर कर लीजिए? क्या है राइट टू रिपेयर, क्या है समझाइए जरा हमको। देख सकते हैं आप आर्टिकल कितने सारे इसको लेके निकले हुए हैं, राइट टू रिपेयर सून कंज्यूमर्स एंड थर्ड पार्टी वेंडर्स में फिक्स प्रोडक्ट्स। क्या बात है मैम, क्या हम खुद ही अपना प्रोडक्ट जो है वो बना लेंगे, एप्पल एप्पल का फोन खुद ही खोल लेंगे? अरे भाई मैम, हम किसी को अपना फोन देते तक तो है नहीं, छोटा बच्चा मांग लेता है कि जरा एक मिनट लाइए गेम खेल लेते हैं भैया या दीदी, अरे नहीं खराब हो जाएगा, इधर लाओ। हमारे जो माँ बाप हैं वो तो एकदम डरे डरे से रहते हैं, फोन चला रहे होंगे, फोन चलाते चलाते जो है अगर उनसे कह दिया, उनका कुछ खुद गड़बड़ गड़बड़ कर दिया उन्होंने लाके, और उन्होंने लाके जो है वो कहा ये देखो तुमने कुछ कर दिया है। भाई मैंने तो छुआ भी नहीं, अरे तुमने कुछ करा है, देखो देखो तुमसे कैसे ठीक हो गया। मैम कैसे खुद हम कर लेंगे सब कुछ, बताइए जरा एक्सप्लेन करिए हमको। देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि सरकार अब प्लान कर रही है राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क को लेके, ताकि कंज्यूमर्स को मदद मिले, प्रोडक्ट्स को फिक्स करा सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तीसरा देख लीजिए कि एक्सप्लेन व्हाट इज गवर्नमेंट प्रपोज राइट टू रिपेयर लॉ एंड क्यों ये अच्छी खबर है आपके लिए। आइए समझाती हूँ मैं आपको क्या है राइट टू रिपेयर। दोस्तों जब आपका फोन खराब हो जाता है ना, सपोज आपके पास एप्पल का फोन है या आपके पास वन प्लस का फोन है या आपके पास की सैमसंग का फोन है, किसी भी तरह का फोन है, तो आप उस फोन को लेके पहुंचते हैं सर्विस सेंटर और आप कहते हैं कि भैया मेरा फोन बना दो। सर्विस सेंटर में वो कहते हैं भाई इतना इतना पैसा लगेगा, हाँ लाइए अभी हम बना देते हैं। अब आप परेशान, अरे भाई इतना पैसा कहाँ से लेकर आए? जब मैं गई थी अपने सैमसंग का उस टाइम पे, मैं आज से करीब 8-9 साल पहले की बात बता रही हूँ, 10 साल हो गए होंगे इस बात को, तो मैंने एक फोन लिया था बहुत अच्छा सैमसंग E7, उस समय बड़ा डिमांड में था, बड़ा उस समय के समझ लीजिए 15,000 का वो फोन था, आज 15,000 बड़ा मानते हैं लोग, उस समय 15,000 रुपए का फोन था। मैं लेके गई, उसकी हल्की सी स्क्रीन जो है वो क्रैक हो गई थी, मैंने जाके सर्विस सेंटर में दिया, ओरिजिनल के चक्कर में 7,000 रुपए उन्होंने ले लिए, 7,000 रुपए भाई बड़ा ढक से हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, आपने सुने होंगे कि लोगों के आईफोन हल्के से गड़बड़ हो जाते हैं, स्क्रैच आ जाता है, डेंट आ जाता है, वो लेके पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जरा हमारा बदल दीजिएगा आईफोन, वो कहते हैं नहीं रिपेयर तो हम नहीं कर पाएंगे, हम इसको बदल देंगे और आपसे इतना इतना पैसा चार्ज करेंगे। तो आप परेशान हो जाते हैं कि अरे भाई इतना पैसे से अच्छा है कि इसको झेल लो। फिर आप पास में कहीं लेके जाते हैं, वो भी कहता है भाई इतना इतना पैसा मैं तुमसे लूंगा ही लूंगा। हाँ तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपको एक जो है दिक्कत दे देती है। खैर इस तरह के कानून जो है देश विश्व के अंदर कई जगहों के कई देशों में देखने को मिलते हैं और आ भी गए हैं कि अब ये कंपनियां मन मर्जी नहीं कर सकेंगी। क्या मन मर्जी है ये? हाँ मन मर्जी ये है कि आप सामान लेकर आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस सामान को हम कैसे बनाएं। अगर वो खराब हो जाता है, हाँ बिल्कुल कह रहे मैं हमको चूना लगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया चूना लगा था मुझे, तो अगर अगर ऐसा होता है तो उस सामान को कैसे बनाए, ये तो होना चाहिए ना। जैसे आपको मिलता है कि भाई ऐसे यूज करो, ये बटन दबाओगे ये होगा, ये बटन दबाओगे ये होगा, इस तरह से आपको पूरा मैनुअल मिलता है ना, इसी तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक ऐसा भी मैनुअल मिले जिसमें लिखा हो प्रॉपर कि अगर ये फोन खराब हो जाए तो इसको ऐसे ओपन करें, ये आईसी ऐसे खुलेगी और उसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बल्कि कई बताइए कौन सा ऐसा देश है जहां पे इस तरीके के एक प्रॉपर वॉलंटरी सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जहां पे लोग जाते हैं और लोग जाके वहां पे प्रॉपर क्या कर सकते हैं, बैठ के जैसे हम लोग क्या है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ किसी से कुछ पता है, किसी को कोई आल्ट आती है भैया लैपटॉप आती है पैसे लाओ, मोबाइल बनाना आता है पैसे लाओ, वहां पे क्या है वॉलंटरी है चीज है कि अगर हमें हमें कुछ आता है तुम्हारी मदद कर देते, तुम्हें कुछ आता है हमें मदद कर दो, है ना। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि इतने महंगे महंगे जो फोन आते हैं, इतने महंगे महंगे जो लैपटॉप्स आते हैं, इन सब में भाई साहब आदमी का गहरी गाढ़ी कमाई लगती है खून पसीने की।
और इस तरीके से जरा सी दिक्कत की वजह से वो जाए और फिर हजारों रुपए फूके, ये जो है बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी भी देशी सरकार को। तो ये कंपनियों का यहाँ पे जो है वो हिलेगा जैसे जो है इनका सिंहासन, और जो कंज्यूमर्स के लिए है एक बहुत 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 बढ़िया खबर है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये साझा कर दूं। कैसा लगा आपको आज का ईएनए आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं इनको सेपरेट टॉपिक्स के तौर पे भी इन सभी चीजों को आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। और एक बार